मित्रों, दिग्विजय देश की आवाज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं हूँ अहमदाबाद में और मेरे साथ हैं डीन प्रोफेसर ऑफ नेफ्रोलॉजी एंड ट्रांसप्लांट मेडिसिन। आप यहाँ के विश्वविख्यात किडनी हॉस्पिटल इंस्टीट्यूट ऑफ किडनी डिसीजेज एंड रिसर्च सेंटर एंड इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसप्लांट साइंसेस के बहुत ही अनुभवी चिकित्सक हैं। आपको 39 इयर्स का अनुभव है और करीबन 6000 से ज़्यादा आपने प्री एंड पोस्ट ट्रांसप्लांट केसेस हैंडल किए हैं। आज भी ये उसी गति से काम कर रहे हैं। पिछली बार बहुत लोगों के आग्रह पर डॉक्टर पंकज जी ने 2-3 वीडियोस में किडनी के बारे में जो बहुत सारी भ्रांतियाँ मौजूद हैं समाज में अपने, उसका जवाब दिया था। उन वीडियोस को देख करके, जो कि बहुत वायरल हुआ सोशल नेटवर्क पे, लोगों ने फिर से बहुत सारे प्रश्न मुझे मेल किए हैं, मुझे उन्होंने फ़ोन भी किया है और व्यक्तिगत रूप से आग्रह किया है कि ये मेरे प्रश्न हैं तो डॉक्टर साहब से रिक्वेस्ट करके इनका जवाब लिया जाए। तो आज मैं फिर पंकज जी के साथ हूँ। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत शुक्रिया मधु जी फॉर योर काइंड वर्ड्स एंड काइंडनेस। मैं यही कह के अब मेरा शुक्रिया अदा करूँगा कि आपकी इनायतें, आपके करम, आप ही बताए, कैसे भूलेंगे हम। तो डॉक्टर साहब, पहला प्रश्न हमें मिला है रांची से राहुल तिवारी जी का। हाँ जी। ये कहते हैं कि मेरी उम्र 26 वर्ष है। यस। और कई दिनों से मुझे भूख नहीं लग रही है। यस। और वेट भी घटता जा रहा है। इसकी वजह से सुस्ती महसूस होती है। मैं क्या करूं? आपकी, भाई साहब, आपकी कंप्लेन सही है और थोड़ी चिंता वाली भी है। आपका वेट लॉस का और सुस्ती के कई कारण हो सकते हैं। कोई टीबी जैसी बीमारी, या तो और कोई सामान्य बीमारी, या तो डिप्रेशन, या तो फिर कोई लीवर या गुर्दे की बीमारी, ये कुछ भी हो सकता है। इसके लिए आपको कोई अच्छे डॉक्टर के पास जाके खून पेशाब की जांच करवानी चाहिए और अगर ज़रूरी है तो सोनोग्राफी करानी चाहिए। तो आपकी ये इसकी वजह मिल जाएगी कि आपका वेट लॉस क्यों हो रहा है, आपको सुस्ती क्यों महसूस होती है, और अकॉर्डिंगली इसके मुताबिक हम आपकी सारवार कर पाएंगे। अगर आपको कहीं भी सकुन नहीं मिले तो आप बेशक मेरे पास आ सकते हो जी। दूसरा प्रश्न मुझे प्राप्त हुआ है राम अवतार जी का, जो कि सूरत से लिख रहे हैं कि मैं इंटरमीडिएट कॉलेज का अध्यापक हूँ, मेरी किडनी में स्टोन है, इलाज चल रहा है, नियमित दवा खा रहा हूँ, लेकिन कुछ दिनों से भूरे रंग की यूरिन हो रही है और पेट और पीठ में दर्द भी हो रहा है। राम अवधा जी, जो जिस तरह से आप कंप्लेन कर रहे हो उसके मुताबिक तो लगता है कि आपका स्टोन आपकी आपके यूरेटर में या तो आपके गुर्दे में मूव हो रहा है और उसकी वो स्क्रैच होने की वजह से आपको जो भूरे कलर का पेशाब आता है उसकी वजह ये हो सकती है। आपको कोई अच्छे यूरोलॉजिस्ट से आपकी सारवार करानी चाहिए और स्टोन का उपाय संपूर्ण तैयार करना चाहिए ताकि स्टोन आपके गुर्दे को लंबे अरसे में नुकसान नहीं करे जी। डॉक्टर साहब, एक सवाल है अंजलि मल्होत्रा जी का, ये कानपुर से लिखती हैं कि मेरा बेटा 10 साल का है और वो बहुत कम पानी पीता है, खाना खाने के बाद उसके पेट में दर्द शुरू हो जाता है, मैं क्या करूं? मैडम जी, आपके बेटे में चिंतित है वो सही बात है। उसको ज़्यादा पानी, अगर पानी पसंद नहीं है तो और भी प्रवाही लेने की आदत डालनी चाहिए, और कुछ खाने के बाद उसको पेट में दर्द होता है तो एक तो उसको कृमि की बीमारी है कि नहीं,
वो आपको जांच करवा लेना चाहिए। दस्त की जांच करवाने से, स्टूल की जांच करवाने से शरीर में कृमि, पेट में कृमि है कि नहीं वो मालूम चलता है। और इसके बावजूद भी अगर इसके ये सब नॉर्मल होते हुए भी बेटे को अगर ये तकलीफ चालू रहे तो कोई अच्छे डॉक्टर या पीडियाट्रिशन से आप तपास करवा सकती हैं। खून पेशाब की जांच करेंगे, सोनोग्राफी करेंगे, अगर उसमें कुछ मिला तो अच्छी बात है, वरना थोड़ी औषध देके बेटे को अच्छा कर देंगे। या डॉक्टर साहब गैस्ट्रिक अल्सर का डाउट मैडम इतनी छोटी उम्र 10 उम्र में लेस लाइकली होता है, लेकिन कभी कभी स्टमक पे सूजन आ जाता है, अल्सर नहीं सूजन आ जाता है तो भी ऐसा होता है जी। लेकिन कोई अच्छे पीडियाट्रिशन से या कुछ कोई अच्छे डॉक्टर से वो जांच करवा लेंगे तो ज़रूर से निदान होगा और सारवार होगी जी। एक प्रश्न कानपुर से ही है पुष्पा देवी का, वो कहती है मेरे पति बहुत शराब पीते हैं, कुछ दिनों से उनके हाथ पांव और चेहरे पे सूजन आ गई है, डॉक्टर को दिखाया लेकिन आराम नहीं मिल रहा है, मैं क्या करूं? मैडम जी आपकी कंप्लेंट बिल्कुल सही है, आपके पति को शराब छोड़नी ही पड़ेगी। अगर शराब छोड़ ही नहीं सकते हैं तो जो आप जो वर्णन देते हैं उससे ऐसा लगता है कि उनको सिरोसिस ऑफ लीवर हुआ है या तो लीवर फेल होता जा रहा है और उसकी वजह से या तो न्यूट्रिशन पूरा नहीं मिलने की वजह से उनको सूजन आ रही है। तो आपको कोई गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट या पेट के लीवर के डॉक्टर को दिखाना चाहिए और दिखाने से पूरी तरह से निदान होगा और सारवार भी होगी। लेकिन बहुत ज़रूरी है कि आपके पति समझे और शराब का त्याग करे। डॉक्टर साहब इसमें क्या थायराइड भी सूजन का कारण हो सकता है? थायराइड का ये जो बेंजी डिस्क्रिप्शन दे रही है उसकी वजह से तो ऐसा लगता है कि बहुत शराब पीने की वजह से उनका लीवर फेल हुआ है ऐसा लगता है जी। डॉक्टर साहब एक प्रश्न है अर्जुन रावत का, ये देहरादून से लिख रहे हैं कि मैं 30 वर्ष का हूँ, मुझे कई दिन से बार बार पेशाब आने की समस्या हो रही है, पेशाब के साथ दर्द और जलन भी होती है, मैं क्या करूं? भाई साहब आप जो डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं उस पर से ऐसा लगता है कि या तो आपकी पेशाब की थैली में या तो प्रोस्टेट में सूजन आया हुआ है, तो थोड़ी पेशाब की जांच करने से, खून की जांच करने से, सोनोग्राफी करने से पूरी तरह से निदान हो जाएगा और उसके मुताबिक आपको एंटीबायोटिक का संपूर्ण कोर्स दिया जाएगा और उससे अच्छा लगता है कि आपको अच्छा हो जाएगा। अगर इससे भी आपको और राहत नहीं मिलती है तो और भी आगे जांच करनी पड़ेगी, शायद ज़रूरत पड़े तो दूरबीन से देखना भी पड़ेगा आपके पेशाब की थैली को और निदान करके उसके मुताबिक हम आपको सारवार देना चाहेंगे या तो आपका डॉक्टर आपको सारवार देना चाहेगा। डॉक्टर साहब सबसे ज़्यादा एक प्रश्न पूछा गया है और वो ये है कि आर्टिफिशियल किडनी कितने दिनों में आएगी और इसकी क्या कीमत होगी? मैडम ये सवाल मुझे भी परेशान कर रहा है। बायो आर्टिफिशियल किडनी जो एक बांग्लादेशी और अमेरिकनों ने यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में डेवलप की है, ये साल में तो वो लोग मार्केट में रखने वाले हैं थोड़े एक्सपेरिमेंट्स के बाद, और शुरुआत में तो बहुत महंगी होगी, लेकिन मैं आशा रखता हूँ कि मोदी जी जल्दी से उसको इंडिया में लाएंगे, मोदी है तो मुमकिन है। और प्राइस शुरुआत में तो शायद 10-15 लाख हो सकती है, लेकिन जैसे जैसे कंपटीशन बढ़ेगी, जैसे जैसे उसकी डिमांड बढ़ेगी, वैसे वैसे उसकी कीमत नीचे आ सकती है। लेकिन अभी से मैं पिन पॉइंट करके नहीं बता पाऊँगा कि इंडिया में कब आएगी, वेरी सून आनी चाहिए और प्राइस क्या होगी जी। हाँ। डॉक्टर साहब ये जो किडनी डिसीजेज है ये इतनी साइलेंटली आती है कि लोगों को पता नहीं चल पाता, इसके लिए इसकी मतलब इसको शुरू में ही पकड़ा जा सके, हाँ, उसके लिए क्या करना चाहिए? यस मैडम आपने बहुत इम्पोर्टेंट सवाल पूछा है, वी कैन कंसीडर किडनी डिसीज एज ए साइलेंट किलर। और कई दफ़ा मैडम बहुत आगे बढ़ जाने के बाद जब डायलिसिस की नौबत आए तभी मालूम चलता है कि गुर्दे की बीमारी है। लेकिन अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज़ है, पथरी की बीमारी है, तो अगर आप रेगुलर एवरी ईयर आपकी जांच कराते हैं, खून
पेशाब और सोनोग्राफी, तो जल्दी से जल्दी आपके गुर्दे की बीमारी का निदान हो सकता है और सारवार हो सकता है और डायलिसिस या ट्रांसप्लांट की नौबत को हम पोस्टपोन कर सकते हैं या तो निवारण कर सकते हैं। इसलिए मेरा मशवरा ये रहेगा कि एटलीस्ट 40 साल के बाद हर साल आपके जन्मदिन के दिन या कोई स्पेशल एक फिक्स दिन पे आपका बॉडी चेकअप कराएं। जी, ये अलीगढ़ से हुसैन पूछते हैं कि डॉक्टर साहब कि किडनी रोग में केवल डायलिसिस ही इसका उपचार है या दवाइयों से भी इसको ठीक किया जा सकता है? मैंने अगले मैडम जी ने जो मेरे प्रीवियस इंटरव्यूज लिए थे उसमें मैंने बताया था कि हर एक गुर्दे की बीमारी समान नहीं होती है और इसकी सारवार भी समान नहीं होती है। कोई गुर्दे की बीमारी, अगर गुर्दे का इन्फेक्शन लगा, एक सप्ताह सारवार ली तो अच्छा हो गया, लेकिन कई गुर्दे की बीमारी जो जैसे जिसको हम किडनी फेलियर कहते हैं, क्रॉनिक किडनी डिसीज़ कहते हैं, उसकी अगर वो डेवलप होता है तो शुरुआत के स्टेज में दवाई से हम उसको दवाई से डायलिसिस या ट्रांसप्लांट को प्रिवेंट कर सकते हैं, लेकिन जब गुर्दा पूरी तरह से फेल हो जाता है तभी हमारे पास तीन ऑप्शन बचते हैं, या तो CAPD या जिसको कंटिन्यूअस एम्बुलेटरी पेरिटोनियल डायलिसिस या CAPD कहते हैं, या तो हीमोडायलिसिस जिसको जो आपने पूछा है वो हीमोडायलिसिस, या तो ट्रांसप्लांटेशन। ये तीन विकल्प हमारे पास रहते हैं जब गुर्दा संपूर्णतया फेल हो जाता है तभी। तब तक हम दवाई से आपके किडनी की सारवार कर सकते हैं। और मैं फिर भी दोबारा कहना चाहता हूँ कि हर एक गुर्दे की बीमारी समान नहीं होती है, अलग अलग होती है। गुर्दे की बीमारी सुन के परेशान या नासीपास नहीं होना है, भारत में हर एक बीमारी का उपाय है। डॉक्टर साहब, मेरा अगला प्रश्न है मेरठ से। मकबूल जिया लिखते हैं कि मैं एक छोटा सा पैटी शॉपकीपर हूँ और कई बार मैं घंटों घंटों पानी पीना भी मुझे नसीब नहीं होता, तो कम पानी पीने की वजह से मुझे किडनी रोग तो नहीं हो जाएगा? आपका डाउट सही है। आपको कैसे भी इन बिटवीन टाइम निकाल के पानी पीने की आदत डालनी चाहिए, उससे आपको बहुत सारे फायदे होंगे। आपको पथरी की बीमारी नहीं होगी, पेशाब में इन्फेक्शन नहीं लगेगा और आपकी किडनी तंदुरुस्त रहेगी। आप वर्कर हैं, लेकिन कोई भी तरह से कोई रास्ता निकाल के साथ में पानी रखिए, पानी का बोतल रखिए और प्रवाही लेने का हर घंटे दो घंटे थोड़ा प्रवाही लेने की आदत रखिए ताकि आपका गुर्दा स्वस्थ रहे। डॉक्टर साहब, एक प्रश्न है हिना खान का, ये लिखती हैं मुरादाबाद से कि किडनी के किसी भी रोग में शरीर में सूजन आना किडनी फेल्योर का संकेत है? मैडम जी, आपकी बात पार्शियली सही है। अगर सूजन आती है तो आदमी को, हमको पेशेंट को चौकन्ना हो जाना चाहिए, क्योंकि लेकिन ऐसा नहीं है कि गुर्दा फेल हुआ तभी सूजन आएगी। अगर गुर्दे पर सूजन आया और गुर्दा 100% काम करता है तो भी सूजन आ सकती है। और कोई बीमारियों में, हार्ट की बीमारी, फेफड़े की बीमारी, लीवर की बीमारी, थायराइड की बीमारी, उसमें भी सूजन आ सकती है। और कभी कभी मेंस्ट्रुएशन की इरेगुलरिटी होती है तो भी सूजन आ सकती है। कभी कभी कोई पिल्स लेने की वजह से भी सूजन आ सकती है। सूजन आने की बहुत सारी वजह हो सकती है और कभी कभी पेन किलर्स लेने से भी सूजन आ सकती है, कभी कभी BP की दवाइयाँ लेने से भी सूजन आ सकती है। तो अगर आपको सूजन आती है तो बिना घबराए आपके डॉक्टर के पास जाइए। डॉक्टर आपकी जांच करेगा, खून पेशाब की जांच करेगा, ज़रूरत पड़ेगी तो सोनोग्राफी करेंगे और पक्का निदान करेंगे कि आपकी सूजन की वजह क्या है और उसके मुताबिक आपको सारवार करेंगे। ऐसा नहीं है कि सूजन आया तो गुर्दा फेल हो गया, और भी बहुत सारे कारण होते हैं। कभी कभी तो लंबे अरसे तक पग नीचे रखने से भी सूजन आ जाती है, आपको मालूम होगा। तो इसका मायने ये नहीं कि आपको गुर्दे की बीमारी है। डॉक्टर साहब, एक आखिरी प्रश्न है कनखल हरिद्वार से रीटा पांडे जी का। वो कहती हैं कि मेरी माँ
का किडनी फेल्योर हुआ था, क्या मुझे भी ये रोग हो सकता है? नहीं मैडम जी, आप ऐसा कहना मुश्किल है, लेकिन थोड़ी गुर्दे की बीमारी आनुवंशिक होती है या तो हेरिडिटरी होती है, जैसे कि पॉलीसिस्टिक किडनी, जैसे कि डायबिटीज़, जैसे कि हाई बीपी, वो आपको आनुवंशिकता में आपके पेरेंट्स से मिल सकता है। तो आपको दूसरों की कंपैरिजन में आपको ज़्यादा जांच कराने की ज़रूरत है। हर साल आपको खून, पेशाब और सोनोग्राफी कराती रहोगी तो मालूम चलेगा कि आपके पेरेंट्स की बीमारी आप में आई है कि नहीं आई है। ज़रूरी नहीं है कि आपके पेरेंट्स की गुर्दा फेल है तो आपको गुर्दा फेल होगा ही, ऐसा ज़रूरी नहीं है जी। थैंक यू मैडम जी। आपने कई दफ़ा मुझे भी एक सवाल कई लोग पूछते हैं कि मेरा एक गुर्दा फेल है या दो गुर्दे फेल है। जी जी जी। तो कई जब दोनों गुर्दे फेल होते हैं तब भी हम कहते हैं कि आपकी किडनी फेलियर है। एक गुर्दा अगर स्वस्थ है तो आदमी संपूर्णतया नॉर्मल जिंदगी जी सकता है। जैसे कि इंदिरा गांधी जी को एक ही गुर्दा था और एक गुर्दे पे वो सारे इंडिया पे राज्य करती थी, सारे इंडिया पर उसकी हुकूमत चलती थी। तो अगर लेकिन एक गुर्दा है तो आपका एक स्पेयर व्हील चला गया है, इसलिए थोड़ा ज़्यादा चौकन्ना रहना है। हर साल आपको बीपी नपवाना है, यूरिन की जांच करानी है, खून की जांच करानी है, सोनोग्राफी करानी है। अगर ये सब नॉर्मल आया तो आप एक गुर्दे के साथ पूरी ज़िंदगी अच्छी तरह से जी सकते हो। जी थैंक यू मैडम जी। लास्ट में मैं ये कहना चाहूँगा कि बीते हुए लम्हों की कसक साथ तो होगी, बीते हुए लम्हों की कसक साथ तो होगी, ख्वाबों में भी हो चाहे मुलाकात तो होगी। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू मित्रों। ये हैं युवा चिकित्सक डीन प्रोफेसर डॉक्टर पंकज आर शाह, जिन्होंने विभिन्न पदों पर रहते हुए अपना अनुभव हासिल किया है। इनके अंदर बहुत गुण हैं, इनकी स्पर्श क्रिया को लोग फॉलो कर रहे हैं। मुझे पक्का विश्वास है कि एक दिन इस पर लोग रिसर्च भी करेंगे, क्योंकि कोई भी चीज़ जो जीवन से जुड़ी है और जिस प्रक्रिया में जीवन मिलता हो वो बहुत बहुमूल्य होती है। तो डॉक्टर पंकज शाह ने आपके बहुत सारे प्रश्नों का जवाब दिया। आशा करती हूँ कि आपके मन की जिज्ञासा और फैली हुई भ्रांतियाँ कुछ कम हुई होंगी। फिर भी आपका कोई प्रश्न है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए, या जैसे आप सूचित कर रहे हैं मुझे ईमेल और फ़ोन के द्वारा करिए। मिलते हैं फिर एक और नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए कैमरामैन सुनील गौतम के साथ मधु श्रीवास्तव का नमस्कार। शुक्रिया नमस्कार। शुक्रिया मधु। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।